गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी सॉल्यूशंस विद अनुज। आज हम एसएससी जीडी का 11 जनवरी की शिफ्ट थर्ड के जीके क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, पहला क्वेश्चन है केमिकल नेम ऑफ एसिड प्रेजेंट इन विनेगर। जो विनेगर है उसमें कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, तो वो होता है एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है CH3COOH, जिसको हम इथेनोइक एसिड भी कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फॉर्मिक एसिड किस चीज़ में प्रेजेंट होता है, तो वो होता है बी या आंट स्टिंग में, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स देख लेते हैं, जैसे लैक्टिक एसिड जो कि मिल्क में होता है, सिट्रिक एसिड जो कि सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, जैसे लेमन हो गया, ओरेंजेस हो गए, ग्रेप फ्रूट्स हो गए। मैलिक एसिड पूछा जाए तो एप्पल। अगर आपसे एसिटिक एसिड पूछा जाए तो विनेगर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा विटामिन सी इज एन। जो विटामिन सी होता है, देखो सबसे पहले केमिकल नेम क्या होता है विटामिन सी का, वो होता है एस्कोर्बिक एसिड। इससे होने वाली बीमारी कौन सी होती है, स्कर्वी। और विटामिन सी एक क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार केमिकल नेम और डेफिशिएंसी देख लेते हैं। जो विटामिन ए है, इसकी मैंने एक ट्रिक भी बताई थी, रेस टू फाइट, ठीक है। विटामिन ए रेटिनोल, इससे नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी वन थायमाइन, बेरी बेरी। विटामिन सी का केमिकल नेम है एस्कोर्बिक एसिड, स्कर्वी। डी का है कैल्सीफेरोल, रिकेट्स एंड ओस्टिमेलेशिया। विटामिन के फिलोक्विनोन, नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड। और विटामिन बी टू होता है राइबोफ्लेविन, और इससे होती है क्रैकिंग ऑफ स्किन, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है इंडिया की, उसमें उसका हब किसे कहा जाता है, बेंगलुरु को। और बेंगलुरु को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। अब बात आती है चेस की, द हॉरिजॉन्टल रोज ऑफ स्क्वेयर्स इन चेस आर कॉल्ड। जो रोज होती हैं उनको कहते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को कहते हैं हम रैंक्स, जो वर्टिकल रोज होती हैं उनको कहते हैं फाइल्स। टोटल 64 स्क्वेयर होते हैं, 8 वर्टिकल रोज के जिन्हें हम फाइल्स कहते हैं, 8 हॉरिजॉन्टल रोज के जिन्हें हम रैंक्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है जो साउथ एशियन गेम्स हुए थे वो पहली बार कहाँ पे हुए थे, तो काठमांडू नेपाल में। कब हुए थे, 1984 में। उसके बाद पूछा गया है थ्रिसुर पोरम फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये केरला में मनाया जाता है। ओनम फेस्टिवल, निशा गांधी फेस्टिवल। अगर आंध्र प्रदेश का पूछा जाए तो उगादी, डेक्कन या फ्लेमिंगो। तमिलनाडु का पूछा जाए तो थाईपोसम, चैरियोट या जलीकट्टू, ठीक है। उसके बाद पूछा गया है कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 11, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ग्रिद्दा फोक डांस। जो ग्रिद्दा फोक डांस है वो कहाँ का है, मध्य प्रदेश का है। कब, विंटर में, व्हेन द रबी क्रॉप्स इज रेडी टू बी हार्वेस्टेड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है IMF, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के जो पोस्ट एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर थे 2022 में, ये करंट का है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट भी करंट का है कि भाई जम्मू कश्मीर में 3 दिन की विजिट हुई थी, किश्तवाड़ डोभा बेल्ट इन नवंबर, गुलाम नबी आज़ाद, ठीक है। उसके बाद है रहेश्वर साइक का बरबयान इज रिलेटेड टू डैश डांस, तो ये क्षत्रिय डांस से रिलेटेड है। क्षत्रिय डांस असम का डांस है, उड़ीसी उड़ीसा का है, भारतनाट्यम तमिलनाडु का है, और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है कि इन इंडिया द वर्क फोर्स पॉपुलेशन डज नॉट इंक्लूड पीपल ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, जो हॉट वेदर सीजन होता है इज ऑल्सो द सीजन फॉर लोकलाइज्ड थंडरस्टॉर्म। सिंपल सी बात है, इसमें पूछा गया है कि इस स्ट्रॉम को क्या कहते हैं, तो कहते हैं कल बैसाखी, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश, तो मोहम्मद यूनस, ठीक है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी वो कौन सी है, जैसे टाइडल, विंड या सोलर एनर्जी, ठीक है। किसने सुंगा डायनेस्टी की फाउंडेशन की थी, तो पुष्यमित्र सुंगा ने की थी, कैपिटल है पाटलिपुत्र, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारा, एज पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स 2021, ठीक है, जो डिस्ट्रिक्ट कमीशन है सेल हैव जुरिस्डिक्शन टू एंटरटेन कंप्लेंट्स वेयर द वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विस पेड इज कंसिडरेशन डज नॉट एक्सीड्स 50 लाख रुपीज़, 50 लाख से ज़्यादा की नहीं, ठीक है। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है। GDP क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, जो कि इक्वल होता है सम
टोटल ऑफ ग्रोस वैल्यू एडेड ऑफ द ऑल फेम्स इन द इकोनॉमी। उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि 1857 में कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी, तो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये हमारा एसएससी जीडी का 11 जनवरी शिफ्ट थर्ड का पेपर था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।